मकान के कब्जे को लेकर हुआ झगड़ा, अजय का आरोप, भेदी ने चलाई गोली, पुलिस कर रही है मामले की जांच। खजाना गेट गली नंबर 6 में गत रात मकान के कब्जे को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया। सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए खजाना गेट गली नंबर 6 के निवासी अजय कुमार ने बताया कि उनके घर 15 से 20 व्यक्ति धमकियां देकर गए और अजय के बड़े भाई से फोन पर बात करवाने के लिए उनके साथ झगड़ा करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि बेदी नामक व्यक्ति ने उनके घर के बाहर फायरिंग की है। इसी के साथ उनका आरोप था कि राकेश जोशी, रोबिन जोशी, जसपाल सिंह और लाली द्वारा उनके घर के नकली कागजात बनाकर कब्जा करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पूरे परिवार को इन सभी व्यक्तियों से जान का खतरा है और उन्होंने पुलिस से इस मामले की कार्रवाई कर व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पुलिस अधिकारी का कहना था कि मामले का जायजा लिया गया है और परिवार के बयानों के आधार पर तफ्तीश जारी है और जल्द ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम अजय कुमार, सरनो अशोक कुमार, गली नंबर 6 नत्थे खां, हाउस नंबर 1950-13। गल मैं ना घर बैठा ही तो 15-20 मुंडे आ गए बुए अगे, तो इन्होंने ना कहने कि दरवाज़ा खोलो, तेरा भरा कितने गा साड़ी वह गल कराओ, नन्नी कितने आ, नन्नी कितने आ। तो मैं मम्मी मेरे ने ना दरवाज़ा खोलता, तो एक दो मुंडे अंदर आए, कहें कि वह मुंडा कहें कि मैं जाके गल करता वा, तुम अंदर ना जायो। तो वह मुंडा अंदर आया, उन्हें कहा कि अपना फोन तो ना अपने भरा फोन ला, मैं उन्हें गल करनी है। तो मैं कहा चलो मैं कोई नहीं गल करा दिना, मैं हाथ जोड़ देना तुहाडे अगे, जो कोई गलबात हुई भी है तो मैं चलो तुहाडी फोन पर मैं गल करा दिना। मैं जो फोन पर गल कराई तो इन्होंने ना मेरा फोन खोलिया, तो फोन खो के ना बाहर चल गए फटाफट। नहीं कोई रंजिश नहीं चलती पी, ये सिर्फ मकान का झगड़ा चलता पाया वा। ये जोड़े बंदे है करकेश जोशी, रोबिन जोशी, तो जसपाल सिंह कपूर एक्स कौंसल कित्या वाला, तो एक लाली सिंह जिन्होंने जाली डॉक्यूमेंट बना के साडा मकान वेचिया वा। यो बंदे कोशिश करते पे कि अं मकान के अंदर किस तरह वटना वा, कि इन्होंने बंद सट्टा किस तरह लानिया वा, कब्जा करने की कोशिश भी कर दे। एक बेदी है वा खजाने गेट का, रिवोल्वर लैके आया अपना, तो यह कहते हैं कि थले आओ तो ताड़ी गलबात मुका दें, क्योंकि 25-30 मुंडे मगर खलोते हुए ये, तो अं थले क्यों आईए, इन्हें रिवोल्वर क्ढा क्या, तुम थले आके दरवाज़ा खोलो, अं क्या दरवाज़ा अं क्यों खोलीए, सानू खतरा है वा। फायर क्ढे इन्होंने पर आवाज़ बहुत ज़्यादा ही, जिसे पता नहीं लगता पाया है। सानू यही है कि सानू बंद जे गैंगस्टर है, इन्हों फटाफट अरैसट की जाए, इन्हों अरैसट करके जेल सुटिया जाए, तो गैंगस्टर वाद खत्म किया जाए, तो जो भी इन्हों बंदे ने सारे। हाँ जी सर, मैं जान को खतरा है, मैं SHO साहब को यह भी रिक्वेस्ट कराँगा सर, इन्होंने जल्दी जल्दी इन्हों अरैसट की जाए, साढ़े तो मैनू तो मेरे परिवार को खतरा वा, इन्हों कार्रवाई की जाए। मेरा नाम नूह है, खजाने गेट से रहना। ये पहला भी साढ़ा झगड़ा चलता पे मकान का, ये आए वैसे मकान करके ही गल कोई भी नहीं हुई, बहाने ना ही आए भी चपेड़ा मारियां मुंडे ने, तो इन्हें मारिया नहीं लड़िया, कोई मुंडा तो नहीं छड़ाया ही, तो साढ़े घर पै गए ने 20-25 मुंडे पे ने, इन्होंने बोतल चलाइया, एक रोबिन है, तो दो उन्होंने मुंडिया के दूजा का नहीं मैं ना पता है। हाँ जी फैल भी चलाया इन्हें, सानू धमकी दी थी बूहे तोड़ देने, तुहाडे बूहा खोलो, हाँ असीं इत्थे बहना, इत्थे कब्जा करना। मैं कहनी सानू इंसाफ दवाया जाए, तो इन्हां ते कारवाई की जाए, सानू खतरा है दिन रात, मेरे बच्चों नू भी खतरा है। उदो इन्हें कोई कार्रवाई नहीं की, अज इन्होंने फिर रात 11:30-12 बजे इन्होंने हमला किया, गोलियां चलाइया इन्होंने, रिवाल्वर कट के धमकाया, लड़ाई किसी होर दी है, तो गल मेरे भैन डे ने आ गए, तो कहते यही है मकान से कब्जा करना, तुम घरों बहर कड़ना जी, गल ये की इन्होंने रिवाल्वर कट के आवाज फैल की, रकेश जोशी ने ललकारा मारिया,
पार्क के कोल कुछ नहीं पंजी तीह मुंडे ही जिन्होंने ना नहीं पता उन्होंने पछाते हैं इन्हें जया जी मेरा लड़ाई बनाए मेरे परिवार को मेरा प्यो कटते है ठीक है जी मैंने इंसाफ दवाया जाए भी जो भी इन्होंने साढ़े किया इन्होंने कानून कानूनी कार्रवाई करो जो जो भी बनती है वह अजय कुमार वालों तनखा दी इन्हों का कोई इन्हों मकान का कोई लैन देना तो वो संबंध में तनखा उन्हें दी है उस संबंध तनखा ड्यूटी अफसर ने दी है वो कार्रवाई कर रहा जो भी तनखा की बनती कार्रवाई उत्ते अमल में ली जाएगी। हाँ सीसी टीवी आई वेखे वो फुटेज वेख रहे जो भी है मामला सामने आया हाँ वेख लें पिस्टल वो जो संथी है कि नजायज है बंदे सी सी टीवी है दस पंद्रह बंदे है पर वेरीफाई करते भलाई के नाल है कि उदा ही वो तनखा दी गए रेट रूट कर मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।